हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक कौन सा है? होप टिल यू ड्रॉप। इसमें आपको क्या करना है, कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, उसके आंसर्स देने हैं। चलो फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइम्स कैन यू होप ऑन योर राइट फुट विदाउट फॉलिंग। क्या बोला इसमें, ऐसे बोला आप कितनी देर तक अपने राइट लेग पे खड़ा रह सकते हैं। ओके, बट आप कितने देर से हो तो मुझे नहीं पता है। तो आपको क्या करना है, आपको खुद ही अब यहाँ पे आपका आंसर लिखने कितने टाइम रह सकते उसका। ओके, चलो सेकंड क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइम्स कैन यू होप ऑन योर लेफ्ट फुट विदाउट फॉलिंग। क्या बोला, पहले क्या बोला था, राइट लेग बोला था, अभी क्या बोला है, लेफ्ट का। तो आपको क्या करना है, आपको घर पे देखना है, फिर खुद ही आंसर्स लिखना है। अंडरस्टैंड? चलो अभी क्या है, सेकंड टॉपिक कौन सा है, जॉइन द डॉट्स। आपको इसमें तो मजा आएगा देखना। जो जो डॉगी इज हंग्री, एक डॉगी है उसका नेम क्या है, जो जो, और वो क्या है, हंग्री है। जॉइन द डॉट्स इन ऑर्डर फ्रॉम 21 to 52 एंड फाइंड आउट व्हाट इज हिडन फॉर हिम टू ईट। यहाँ पे आपको जो ड्राइंग दिख, यहाँ पे आपको नंबर दिखे, वो क्या करना है, जॉइंट करना है। क्या बनेगा, एक खाने की चीज बनेगी, और जो चीज बनेगी ये जो जो डॉगी खाता होगा। आपको पहले ये जॉइंट करना है, फिर लिखना है। चलो हम करते हैं अभी। चलो क्या करेंगे, क्या था, डॉट जॉइन करना। चलो मैंने क्या किया, मैंने डॉट्स जॉइन कर दिए। देखो यहाँ से 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9 यहाँ से सभी है नंबर्स। ओके, तो आपको ये घर पे करना है। तो क्या बना, देखो ये क्या बना, बोन बना। क्या बना, बोन। तो स्पेलिंग क्या है, BONE, बोन। अंडरस्टैंड? चलो अभी थर्ड टॉपिक, नोटी भूरू। भूरू हैज टोन सम पेजेस ऑफ दिस बुक। चलो यहाँ पे आपको बुक देख रही है, बुक नहीं, बुक के पेजेस दिख रहे हैं। देखो और पेज में कुछ लिखा है, देखो तो क्या लिखा है, नंबर्स लिखे है। देखो 49, 53, 51, 48, 47, 52 and 50। राइट द पेज नंबर्स इन द करेक्ट ऑर्डर। क्या करना है, हमें करेक्ट नंबर लिखने हैं। चलो क्या करना है, करेक्ट नंबर लिखना है। यहाँ पे क्या लिखा है, एक ही नंबर लिखा है, 48। तो 48 के आगे जो आता है वो लिखना है, और 48 के बाद जो आता है वो लिखने हैं, बट कैसे होने चाहिए, करेक्ट। चलो 48 के आगे क्या आता है, 47। फिर 48 के बाद 49। फिर 49 के बाद 50। 50 के बाद 51। 51 के बाद 52। फिर 53। समझ में आया, समझ में आया कैसे करने हैं वो। ओके, चलो अभी कौन सा टॉपिक है, पजलिंग टेल। उसमें एक हमें स्टोरी दी गई है, आपको स्टोरी अच्छी लगती है ना। ओके, चलो हमें स्टोरी बताती हूँ, टेल।
इसमें क्या है? पजल टेल का मतलब क्या है? गेम है, किसकी है? टेल की। चलो आपको स्टोरी अच्छी लग रही है ना? देखो यहाँ पे एक स्टोरी ही है। चिपकू रेट हैज़ लॉन्ग, चिपकू रेट से उसको क्या है? लॉन्ग टेल है। नेक्स्ट, व्हेन ही वाज स्लीपिंग नॉटी कैट थ्रॉट ऑफ टाइंग दिस टेल टू द पॉल्स। जब ये रेड सो रहा था ना, तब ये नोटी कैट थी ना, उसे उसकी टेल को पोल के साथ बांध दिया। सी स्टार्टेड फ्रॉम द पोल विथ द बिगेस्ट नंबर, सी मूव्ड ऑन द स्मॉलर नंबर इन ऑर्डर। वो पोल का स्टार्ट हो रही थी बिगेस्ट नंबर टू स्मॉलर नंबर। हेल्प हर इन टाइंग बट दी टेल शुड नॉट क्रॉस इटसेल्फ एनीवेयर। और टेल को बांध दिया था ना, उसको मैं क्या करना है? देखो यहाँ पे टेल को मैं ऐसे नंबर पे, नंबर के ऑर्डर के हिसाब से हमें मैच करना है। चलो 27 के बाद क्या आता है? 28 के बाद 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 और 37। दर्शन समझ में आया क्या करना है? वो चलो अभी वर्कबुक में पेज नंबर 20, अच्छा नंबर 7, जॉइन इन असेंडिंग यानी कि इंक्रीजिंग और डिसेंडिंग यानी कि डिक्रीजिंग ऑर्डर। क्या बोला है इसमें? हमें सबसे बड़े नंबर से सबसे छोटे नंबर तक जाना है और क्या करना है? जॉइन करना है। चलो मैं करती हूँ, 10 के बदले में आता है ना, ऐसे बड़े नंबर तक जाना है, छोटे नंबर पे नहीं जाना है।